लॉकडाउन के कारण इस समय लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालकों को स्कूल की फीस चाहिए। स्कूल संचालकों से इस आपदा में लॉकडाउन के समय की फीस मांगी जा रही है, जिसके चलते अभिभावकों की संस्था पापा ने स्कूल संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल संचालकों की फीस को लेकर चल रही मनमानी को लेकर अभिभावकों की संस्था पापा सड़कों पर निकल आई और अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए घूम घूम कर प्रतीक के रूप में भीख मांगकर विरोध जताया। अभिभावकों का कहना है कि लगातार स्कूलों से फीस के लिए फोन आ रहे हैं और ऐसे में बच्चों की फीस भरने के लिए हम लोगों के पास भीख मांगना ही एकमात्र काम रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया है, काफी लोग बेरोजगार हैं। पापा की तरफ से हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं, पापा संस्था की तरफ से, और हमारी छोटी छोटी सी बहुत तीन मांगे हैं। पहली मांग यही है कि जब तक पूरे आगरा में कोविड-19 के केस शून्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हम स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है, ना ही स्कूल खोले जाएं और ना ही हमारे बच्चे स्कूल जाएं। दूसरी हमारी मांग यह है कि लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीने स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे, इवन दो मार्च में भी बंद रहे हैं, हम चाहते हैं उस समय की हमारी फीस में माफ़ी दी जाए। और साथ ही जो है तीसरी मांग हमारी यही है कि जो ऑनलाइन स्कूल आप दे रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, आपको अपने टीचर्स को स्टाफ को फीस देनी है, हम उसके लिए सहमत हैं और हम आधी फीस देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हम फीस के गलत फीस लेने के खिलाफ खड़े हैं, स्कूल के खिलाफ, कि वो लोग अंधाधुंध पैसों की मांग करते रहते हैं पेरेंट्स से। आप जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर वो कई तरह के मैसेज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं देते हो तो आपके बच्चों का नाम ऑनलाइन भी नाम काट देते हैं, तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं।